वेलकम टू माई चैनल कोड विद काशिफ सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्विच uh, स्टेटमेंट uh, क्या होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं uh, तो इसके लिए मैंने ये सी प्लस प्लस का बेसिक सेंटेक्स जो है वो uh, लिख लिया है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लट uh, से मेरा जो प्रोग्राम है uh, वो इस तरह का प्रोग्राम है कि अगर यूज़र वन एंटर करे तो वो उसको करंट डे uh, बता दे फॉर एग्जांपल वन पे मंडे बता दे टू uh, पे, uh, uh, पे जो है वो ट्यूसडे बता दे इसी तरह थ्री पे जो है वो वेंसडे बता दे, तो सेवन तक वैल्यूज़ होंगी और सेवन वैल्यूज़ में वो सेवन टाइम डिफरेंट जो है वो डेज बताता जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इंटीजर ले, ले लेता हूँ डे के नाम का तो ये लेने के बाद यहाँ पे मैं सी uh, आउट करता हूँ कि सी आउट प्लीज एंटर डे नंबर तो यहाँ से अब यूज़र जो है वो डे नंबर एंटर करेगा तो मैं इस डे को सी इन करवा लेता हूँ सी इन डे यहाँ तक का, का काम मैं इसको सेव करके एक बार कंपाइल और रन करता हूँ मेरा एरर दे रहा है ये इंक्लूड में डी मैंने दो बार डाल दिया था ये मैंने कंपाइल किया है तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्लीज़ एंटर डे नंबर ये मेरे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फ़ोर लिखता हूँ तो या मैं वन लिखता हूँ तो मैं वन लिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास मंडे आ जाना चाहिए तो इसके दो तरीक़े हैं एक तो हम इफ़ एल्स कंडीशन से भी कर सकते हैं या फिर हम स्विच स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं तो अभी के केस में क्योंकि हम स्विच देख रहे हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे तो इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह है कि आपने लिखना है यहाँ पर स्विच स्विच लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर अब आपने किसको स्विच करना है ये जो आपका डे है इस पर आपने कंडीशन लगानी है तो आपने सिंपली यहाँ पे डे लिखते है और ये लिखने के बाद आपने ये ब्रैकेट डालनी है और इस ब्रैकेट के अंदर आपने सारा काम करना है तो इसके अंदर केसेस होते हैं जैसे इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर कंडीशन होती हैं इसमें केस हो जाता है तो आपने सबसे पहले मेरा केस वन होगा केस वन तो uh, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट मंडे जो केस वन है मतलब अगर डे के अंदर वैल्यू जो है वन है तो वन इससे मैच करेगा और मेरे पास वन मंडे प्रिंट होके आ जाएगा इसी तरह ये केस ख़त्म होने के बाद जब मैं इसको ख़त्म करूंगा मैं यहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगा लूँगा ब्रेक स्टेटमेंट लगा लूँगा अब ब्रेक क्या करेगा कि अगर यूज़र वन के अलावा वन एंटर करता है तो वो नेक्स्ट केस पर नहीं जाएगा तो वो यहाँ पे जब मंडे प्रिंट करेगा उसके बाद वो ब्रेक देखेगा तो वो यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि मल्टीपल केसेस होते हैं अब मैं केस टू लगाता हूँ अगर यूज़र टू एंटर करता है तो फिर मैं यहाँ पे लिखता दूँगा सी आउट ट्यूसडे और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा ब्रेक लगा दूँगा अगर मैं ब्रेक ना लगाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया तो जब मैं वन एंटर करूँगा तो वो मंडे भी प्रिंट कर देगा और इसके बाद वो ट्यूज़डे भी प्रिंट कर देगा आगे भी केसेस वो चेक करता रहेगा तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्रेक लगा दिया और इसको मैंने सेव करके रन किया अभी मैंने दो केसेस लगाए हैं अभी के लिए मैं वन प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरा मंडे प्रिंट होके आ चुका है आ, इसी तरह अगर अभी मैं थ्री प्रिंट कर थ्री एंटर करूँगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी उस पर कोई केस नहीं लगाया तो ये देख सकते हैं एम uh, स्क्रीन मेरे पास आ रही है तो मैं यहाँ पर इन्हीं को कॉपी करता हूँ क्योंकि सेवन डेज होते हैं तो सेवन टाइम मुझे सेवन केसेस लगाने पड़ेंगे uh, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे थ्री लिखा और यहाँ पे वेंसडे लिख दिया एक बार फिर कॉपी यहाँ पे फोर यहाँ पर मैं देता हूँ थर्सडे फाइफ यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्राइडे और सिक्स पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैचरडे और लास्ट केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संडे तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो अब यूज़र कोई भी एक वैल्यू एंटर करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सिक्स से एंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे पास सिक्स नंबर का जो डे है वो सैचर है वो यहाँ पे केस मेरे पास सैचरडे था तो वो प्रिंट होकर आ चुका है तो इस तरह आप आ, स्विच कंडीशन लगा सकते हैं आ, आप यहाँ पे मैंने तो अभी सिर्फ सी आउट करवाया आप यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं जो काम आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आ, कर सकते हैं आ, मैंने तो अभी एक लाइन की जो है वो सिर्फ एक लाइन प्रिंट आउट करवाई है आप यहाँ पे जितनी भी आप कोडिंग करना चाहते हैं वो आप आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा उस तरह आप स्विच कंडीशन लगाकर वो अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में